हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन टाइम T1। इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड इट रीचेज द ग्राउंड इन T2, टाइम T2। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर से अगर हम ड्रॉप करें तो इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये चीज पूछा गया है आपसे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख दें। ये अपने पास टावर है, ठीक है, तो टावर से ये टावर हो गया। ओके, टावर से जब अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे यू स्पीड से, तब ये मान लीजिए T1 टाइम में नीचे आ रहा है। ओके, जब हम यहीं से इसको प्रोजेक्ट कर देंगे यू स्पीड से, तब ये T2 टाइम में आ रहा है, तो T2 टाइम में, और ये T1 टाइम में। बट दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट तो क्या है बॉडी का, क्योंकि बॉडी देखो, जब ये पहला वाला केस देखोगे अपवर्ड प्रोजेक्शन का, तो बॉडी जितना ऊपर गया उतना नीचे भी आया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का भी टावर के हाइट ही हुआ, टावर का जितना हाइट है उतना ही फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका है, एंड इस बॉडी का भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। तो दोनों केस में अगर हम लोग लिखें व्हेन प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, तो जब अपवर्ड्स प्रोजेक्ट करेंगे तब इसका हाइट एच मान लीजिए, है ना, तो एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, यू इंटू T1, ठीक है, यू इंटू T1, क्योंकि हम डाउनवर्ड को सब पॉजिटिव मान रहा हूँ, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में है, जी भी डाउनवर्ड में है, ठीक है, तो आप डाउनवर्ड को यहाँ पर पॉजिटिव मान लीजिए। ओके, तो अपवर्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा, अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो अपवर्ड को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ GT2, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे हम लोग व्हेन प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, जब हम डाउनवर्ड्स में प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो जब हम डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो अब तो स्पीड भी डाउनवर्ड में हो गया है ना, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड में, तो अब यू भी पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड को नेगेटिव पॉजिटिव माना हम लोगों ने, तो हाफ GT2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 में T2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में आप T2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 में T2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन 2 में T1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, देखिए क्या बनेगा यहाँ पे इक्वेशन, उसको लिख लेते हैं हम लोग, HT2, और दोनों को ऐड भी करना है, इज इक्वल टू माइनस यू इंटू T1 T2 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर, तो है पहले से ही, और T2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 में हम लोगों ने T1 से मल्टीप्लाई किया, तो HT1 एंड यू T1 T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर इंटू T1, क्योंकि T1 से मल्टीप्लाई किया, और इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो आफ्टर एडिंग देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो अब यहाँ से H कॉमन कर लेंगे तो क्या मिला हम लोग को, T1 प्लस T2, और इधर में क्या मिला, हाफ G कॉमन करें, ठीक है, तो यहाँ से हो गया T1 स्क्वायर T2 प्लस T2 स्क्वायर T1। तो अब जो राइट साइड में अपने को इक्वेशन दिख रहा है ना, उस इक्वेशन में भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कि राइट साइड में, नॉट लेफ्ट साइड, हाफ जी तो रखिए, यहाँ से T1 T2 कॉमन कीजिए, तो T1 T2 कॉमन करेंगे तो T1 स्क्वायर में से T1 एक रिमेनिंग रहेगा और T2 स्क्वायर में से एक T2 रिमेनिंग रहेगा, तो अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो H इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, हाफ जी T1 T2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब बोला गया कि अब जब हम ड्रॉप करें, देखिए डिस्प्लेसमेंट फाइनल जो आया ना, वो डिस्प्लेसमेंट फाइनल जो आया वो किस पे डिपेंड किया, T1 T2 पे। अब जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप भी करेंगे, जैसे आप ऑब्जेक्ट को उसी सेम टावर से, है ना, सेम टावर से ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया, ठीक है, तो अब जब आपने सेम टावर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो हुआ, बट हाइट तो वो सेम कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो अगर सेम डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, When object is released from
सेम टावर, तो सेम टावर से रिलीज किए, तो अब क्या हो जाएगा, एच और इनिशियल जीरो, वेलोसिटी जीरो, ठीक है। डाउनवर्ड को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है और अपवर्ड को नेगेटिव लिया, तो अपवर्ड में कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मान लेते टी टाइम लगेगा, तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही आ रहा है ना, तो टावर की हाइट सेम है। तो अब इक्वेशन वन और थ्री को इक्वेट कीजिए, इक्वेशन वन और थ्री को इक्वेट कीजिए, ठीक है। तो थ्री क्या है, हाफ जी इंटू टी वन टी टू, एंड इक्वेशन फोर क्या है, इक्वेशन फोर है यहाँ पर, देखिए एच इज इक्वल टू सेम वही हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी से हाफ जी कैंसिल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, टी वन टी टू, तो यहाँ से टी क्या मिला हम लोगों को, रूट ओवर टी वन इंटू टी टू। तो इतने टाइम में, मतलब टी वन टी टू के टर्म्स में, इतने टाइम में ड्रॉप करने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे पहुँचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर।